गुड मॉर्निंग आप सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू मी चैनल आना की दुनिया। और यहाँ पे मैं तल रही हूँ कढ़ी वाले पकौड़े। जी हाँ, सो आज कृष्ण जी की छठी पूजा है, जिसके लिए कढ़ी और राइस बनता है। ये बिना लहसुन प्याज के बनाया जाता है आज के दिन। सो इसी को भोग लगाएंगे आज हम मंदिर में। गाना जी को लगाया हुआ प्रसाद ही मैंने अच्छे से खा लिया है पूरा पेट भर के। उसके बाद मैंने ले ली अपनी ढेर सारी दवाइयाँ। साथ ही यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ बीटरूट कांजी। बीटरूट कांजी के लिए यहाँ पे बीटरूट को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे। इसे एक ग्लास जार में पानी के साथ पोर करके इसमें पीली सरसों को अच्छी तरीके से कूट के पीस के, इस तरीके से ये जब दानेदार हो जाए तो इसे आप बॉटल में फिल कर दें और इस तरीके से धूप में रख दें इसे 3 से 4 दिनों के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने किया ऑफिस का काम, साथ में थोड़े से फ्रूट्स खाए और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे इवनिंग में एवोकाडो टोस्ट। सो जिसके लिए मैंने ले लिया था एवोकाडो, मिर्ची, प्याज, टमाटर, जो जो आपको पसंद है वो आप मिला लें। उसके बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ पे की गार्डन में, जो छोटा सा गैलरी में मैंने कुछ गमले लगा रखे हैं, सो यहाँ पे मैं मिट्टियों को अच्छे से तोड़ रही हूँ। और इसमें आज मैं लगाने वाली हूँ टोमेटो की स्लाइसेस, और दूसरे गमले में लगाऊंगी मैं चिली की स्लाइसेस, और एक गमले में लगाऊंगी धनिया। सो ये आई डोंट नो ये फ्रूटफुल रहेगा या नहीं। मैं बीज लेकर नहीं आई हूँ, घर में जो फ्रेश वेजिटेबल है मैं उसी को यहाँ पे स्लाइसेस करके इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा रही हूँ। देखते हैं अगर ये कुछ अगर इसका कुछ फल आया तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। पौधों का काम निपटाने के बाद मैंने यहाँ पे कर ली हल्की सी हेयर ऑयलिंग, बिल्कुल हल्की सी, और उसके बाद मैंने बना ली पूनी। और अब शाम के बज रहे 5 और धूप काफ़ी हल्की हो चुकी है, तो ये दोनों ग्लास जार उठा के मैं इसे वापस रख दूँगी। कल मॉर्निंग में जो अच्छी सुनहरी धूप आती है, फटाफट आप सुबह 8 बजे इस दोनों जार को निकाल के रख दीजिए। इस प्रोसेस को आपको 3 डेज और मैक्सिमम 4 डेज करना है। ऑफिस का काम और घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ थोड़ी सी ग्रूमिंग सेशन के लिए। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हेड स्पा। हेड स्पा इज़ वेरी गुड फॉर स्ट्रेस रिलीज और आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही मैं स्टीम ले रही हूँ और मुझे ना बैठे बैठे भूख लग गई थी, तो यहाँ पे मैंने मंगा लिए बिल्कुल पतले वाले नूडल्स। सो आई एम एन्जॉयिंग माई नूडल्स हियर। और घर आती मैंने बनाए हैं, ये देखिए, ढेर सारी सब्जियाँ, चाप है, भिंडी है, थोड़ा दही रायता है, साथ में मीठा, और ये रहा आज का लच्छा पराठा। सो ये रहा मेरा आज का डिनर। थोड़ा थोड़ा मैंने सारे आइटम लिया, बिकॉज अगर हेवी लेती हूँ तो खाने पाती हूँ, रोटियाँ कम खा